नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। से शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। जेके 24/7 चैनल के ही संवाददाता सम्मेलन भोपाल में ये संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और LNCT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर जो कि डॉक्टर अनुपम चौकसे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कोने कोने से आए हुए JK 24/7 न्यूज के संवाददाताओं व अन्य न्यूज चैनल और न्यूज पेपर्स के सर्वोत्तम कार्य करने वाले संपादकों और पत्रकारों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने JK न्यूज द्वारा जनहित में अच्छी खबरें प्रसारित करने की सराहना की। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के जो अच्छा समाज के लिए काम हुआ उसको सम्मानित करने के लिए एक आयोजन हुआ, इसके लिए सुभाष भाई साहब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद भी इसलिए भी करता हूँ कि इन लोगों के बीच में बोलना थोड़ा सा किसी भी के लिए कठिन काम है, क्योंकि हम लोग गांव देहात क्षेत्र में हैं, वहाँ पर जो है पब्लिक इकट्ठा होती है, अपना कुछ भी भाषण दे दिया चल जाता है, पर यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर उपस्थित हमारे भाई मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता जी, ललित जी, चौकसे जी और यहाँ पर सभी भाइयों, मैं जहाँ तक समझता मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, दूसरे से जोड़ता हूँ। पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के पहले भी पत्रकार था, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद पत्रकार बदला नहीं, पत्रकार बनता पत्रकार है। तो मैंने जो समझा कि समाज की वेदनाओं का, उसके करुणा का यदि कोई अभिव्यक्ति दे सकता है तो पत्रकार ही दे सकता है, क्योंकि डायलॉग नहीं कर सकता, अपनी वेदना को ठीक से नहीं कर सकता, अपने जगह को ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि उसकी वेदना को, उसकी भावना को यदि परिलक्षित करना है तो पत्रकार ही हो सकता है, ये करता है। तो कार्यक्रम में जेके न्यूज के सिवनी जिला ब्यूरो पवन पाठक, पन्ना के यहाँ धनंजय श्रीवास्तव मंडला के कन्हैया ठाकुर, सतना के CP निगम के साथ ही दैनिक भास्कर जबलपुर संस्करण के वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव, प्रदेश टुडे के स्टेट हेड सुनील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सवाल जो कि करते हुए हमेशा नजर आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना और प्रदेश टाइम्स के संपादक रघुवीर तिवारी, दैनिक भास्कर भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा और नव दुनिया के डिप्टी चीफ एडिटर सतेश श्रीवास्तव, टीजियाना न्यूज के चीफ ब्यूरो संजीव श्रीवास्तव, दैनिक जागरण की नीरज गौर, सहारा समय न्यूज चैनल के अध्यक्ष भटनागर को सम्मानित किया गया। तहसील रिपोर्टर अमरवाड़ा, हमारे भोपाल की अनिता बेगमगंज, श्री प्रियांश सोनी जी तहसील रिपोर्टर हर रही, तहसील रिपोर्टर चांद, श्री ज्ञानेन्द्र डॉक्टर जी तहसील रिपोर्टर बिछुआ, प्रांशी जी तहसील रिपोर्टर चाचोड़ा, श्री भुवन कुशवाहा जी तहसील रिपोर्टर परासिया, श्री राजू श्री रवि श्रीवास्तव जी वरिष्ठ नेत्र, श्री भगवान सिंह उमर जी, श्री मानस रंजन मोहंती जी सचिव उत्कल समाज समिति भोपाल, जिनके अथक प्रयासों से भी करवाते हैं।
सर एक मिनट सामने देखिए, श्री अनिल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक भास्कर जबलपुर संस्करण। श्री सिखिल व्यवहार जी, रिपोर्टर, आईबीसी 24 न्यूज चैनल भोपाल। सर एक मिनट, सिखिल व्यवहार है, हमारे छोटे भाई आईबीसी। तो उसी के साथ कार्यक्रम की अति विशेष अतिथि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जेके 24/7 न्यूज की खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि जेके न्यूज ने यहां कभी भी गलत खबर नहीं चलाई है। स्टेट हेड सुभाष श्रीवास्तव या उनकी टीम के बारे में वो बातचीत करते हुए नजर आए, उन्होंने कोई भी गलत खबर नहीं चलाई है, हमेशा सही से खबरें जो है वो प्रसारित की है। जबकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पूरी तरह से काम वो करते हुए नजर आए। जेके 24/7 न्यूज चैनल की खबरें देखने लायक होती है, इस तरह से उन्होंने बातचीत कही। और इस मौके पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जोनल मैनेजर एके त्यागी, उत्कल समाज भोपाल के यहाँ सचिव मानस जो कि रंजन मोहती हैं, मानस रंजन मोहती, और उनके साथ ही यहाँ 24 न्यूज चैनल के रिपोर्टर शिखिल व्यवहार, छिंदवाड़ा जिला ब्यूरो प्रकाश जायसवाल, इंदौर रिपोर्टर पुष्पेंद्र तिवारी, जेके न्यूज के ही राजगढ़ ब्यूरो राकेश शिवहरे, सुरेंद्र श्रीवास्तव, भोपाल एडिटर नंदिनी मिश्रा, सलमान खान, मनावर तहसील के ही रिपोर्टर अता मोहम्मद, और बैरसिया रिपोर्टर राजू मेहरा, कन्नौद रिपोर्टर ओम प्रकाश परमार, निवास, यहाँ आप देखिए किस तरह से कामकाज वो करते हुए नजर आए हैं, निवास रिपोर्टर जो हैं सुमेर रैदास को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। बाहर मिल जाएगा आप लोग। जाओ मुझे मम्मा का कौन करेगा, लेकिन आप करोगे सर, इसका कौन कीजिएगा भाई। मम्मा मम्मा जाओ, मम्मा जाओ। श्री सरस्वती LNCT ग्रुप के ही प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर अनुपम चौकसे ने यहाँ खुले दिल से जेके 24/7 न्यूज चैनल की तारीफ करते हुए कहा कि चैनल तो बहुत है लेकिन जेके 24/7 न्यूज की अलग ही बात है। कार्यक्रम में यहाँ MP ब्रेकिंग न्यूज के एडिटर पूजा खोदानी, स्वतंत्र पत्रकार मीनल राय, पत्रकार सुमित वर्मा, जेके न्यूज के ही यहाँ चाचोड़ा तहसील रिपोर्टर देवेश चित्राची और संजय वना, उनके साथ ही नरेंद्र राय, रहमान शाह, नितिन भूते, बब्बर धाकड़, ज्ञानेंद्र इंद्रोकर, राजेंद्र यादव, प्रियांक सोनी, आशीष मालवीय और पराग खरे, उप पुलिस अधीक्षक को भी यहां पर सम्मानित किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष गौतम जी, श्री उमाशंकर गुप्ता जी, बीजेपी नेता और मेरे पिता डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव जी और सभी पत्रकारगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में आप सभी शामिल हैं। आज के दिन में प्रिंट मीडिया और जो TV आए ये सबकी वजह से अब सोशल मीडिया के कारण हम भी आपके साथ हो गए। आजकल सोशल मीडिया में हर कोई पत्रकार हो गया है, मुझे कहीं भी न्यूज़ मिलती है मैं डाल देता हूँ, मैं भी पत्रकार
तो मैं भी आप सबका साथी हूँ और इस सम्मान समारोह में जैसा आपका सम्मान होगा उन्हीं मानी हमारा भी सम्मान हो रहा है। पर जो ये चौथा स्तंभ है कि बाकी के तीनों स्तंभ को कंट्रोल में करने के लिए कि कोई भी चोट नकार ना करे, अच्छा ना करे, अच्छा करे, दोनों ही चीज़ें हैं, उसको सही तरह से जनता के सामने ला सकते और उसी को आज सम्मानित कर रहे हैं। तो आप सबको बधाई, हार्दिक बधाई, ऐसे ही सब मिलके देश को ऐसा आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जेके 24/7 न्यूज चैनल के ही स्टेट ब्यूरो हेड सुभाष श्रीवास्तव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में उनके संवाददाता बड़े ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम हमारे बीच यहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेके 24/7 न्यूज चैनल के संवाददाताओं का आज सम्मेलन है और हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि माननीय अध्यक्ष महोदय जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अभी तक उनका उद्बोधन हमने आसंदी पर ही सुना था, आज हम लोगों के बीच में भी सुनेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय गिरीश गौतम जी जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। इसके अलावा माननीय उमाशंकर गुप्ता जी जो एक तरीके से मेरे गार्जियन भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उमाशंकर गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी जो कि नेत्रोग विशेषज्ञ हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर अनुपम चौकसे जो कि LNCT ग्रुप मध्य प्रदेश का जाना माना ग्रुप है, उसके प्रो चांसलर हैं और साथ ही मेरे दूर दराज से आए हुए मध्य प्रदेश के जेके 24/7 न्यूज चैनल के तमाम संवाददाता एवं भोपाल। तो अंत में डॉक्टर ललित श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए जेके 24/7 न्यूज के साथ।